हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि निकाली गई है बिहार विधान परिषद द्वारा वेरियस पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप कर पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन। तो जानते हैं क्या है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और क्या है इसकी फुल डिटेल, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिहार विधान परिषद की जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है आपकी वैकेंसी या विज्ञापन संख्या 01/2019। इसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नोटिस है, इसमें अगर बात करें सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो 23/7/2019 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट की 12/8/2019 शाम 6 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तभी तक आप इसकी जो फीस है वो भी जमा करा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसकी नोटिफिकेशन डिटेल के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, जो कि प्रतिवेदक, निजी सहायक और आशुलिपिक की वैकेंसी है। यहाँ पर आपको वेतनमान दिया गया है, साथ में जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है उसकी डिटेल आपको दी गई है। तो यहाँ पर प्रतिवेदक की जो वैकेंसी है वो 16 पद यहाँ पर रखे गए हैं, निजी सहायक के आपके 5 पद हैं और आशुलिपिक के यहाँ पर 20 पद आपको रखे गए हैं। अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो देखिए प्रतिवेदक की जो वैकेंसी है इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, इसमें आपके पास किसी भी आपकी स्ट्रीम में आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी में आपके पास जो है आपके 150 शब्द प्रति मिनट स्टेनो का ज्ञान आपको होना चाहिए। हिंदी टंकन एवं अंग्रेजी टंकन में गति जो है आपकी 35 शब्द प्रति मिनट आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर पाठ्यक्रम में आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि AICTE या कंप्यूटर पाठ्यक्रम के जो DIC या NIT के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उसके द्वारा अगर आपके पास है या फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। निजी सहायक की बात करें तो सेम ही आपका यहाँ पर LGT रहेगी, बस यहाँ पर जो स्टेनो है वो 100 शब्द प्रति मिनट है और हिंदी और अंग्रेजी टंकन जो है वो 30 शब्द प्रति मिनट आपकी यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, वो स्टेनोग्राफर की है, जिसमें आपसे जो यहाँ पर स्टेनो 80 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग जो है आपकी 30 शब्द प्रति मिनट आपकी रखी गई है और कंप्यूटर नॉलेज और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आरक्षण या रिजर्वेशन जो है सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो कि बिहार राज्य के निवासी हैं। अन्य राज्य के जो निवासी हैं उनको जनरल में काउंट किया जाएगा और वो जनरल से ही यहां पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि रिजर्वेशन से रिलेटेड है वो आपको दिए गए हैं। एज की अगर बात करें तो न्यूनतम एज 21 साल, मैक्सिमम जो एज है जो कि अनारक्षित पुरुष हैं जो कि जनरल कैटेगरी के मेल हैं उनके लिए 37 साल और जनरल की जो फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 साल, SC ST के पुरुष एवं महिला के लिए 42 साल मैक्सिमम एज रहेगी। और फ्रेंड्स, ये जो एज है ये आपकी 1/1/2019 को काउंट होने वाली है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न दिया गया है, तो यहाँ पर जितने भी चरण में आपकी जो एग्जाम होगा वो डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आपका प्री एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा है, जो कि फ्रेंड्स कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके बाद आपकी यहाँ पर टाइपिंग एंड स्टेनो जाँच होगी। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका इंटरव्यू रखा जाएगा। तो इसको पद्धति को क्रॉस करने के बाद ही यहाँ पर फिर आपकी जॉब कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट वाइज जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो आपका प्री एग्ज़ाम है उसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। प्रारंभिक परीक्षा आपकी 400 अंकों की होगी, मतलब एक क्वेश्चन आपका 4 अंक का है और एक गलत आंसर पे आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। और जो पेपर का मीडियम है वो हिंदी एंड अंग्रेजी दोनों में है। इसके साथ साथ यहाँ पर सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित के 30 क्वेश्चन होंगे और आपके मानसिक क्षमता जाँच या तार्किक विचार मतलब रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आपके यहां पर पूछे जाएंगे। तो यहां पर उसका सिलेबस आपको दिया गया है, तो टोटल सिलेबस आप यहां पर चेक कर सकते हैं। यहां पर आपको किस किस सेक्शन से आपको यहां सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वो सभी डिटेल आपको यहां देखने को मिल जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम फीस की। तो यहां पर जो बिहार राज्य के SC या ST कैंडिडेट हैं या फिर महिला हैं जो कि आरक्षित या फिर अनारक्षित कैटेगरी के लिए हैं उनके लिए या फिर जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए 150 रुपये फीस रहेगी और बिहार राज्य के इनके अलावा जो भी कैटेगरीज हैं या फिर जो अन्य राज्य के निवासी हैं उनके लिए 600 रुपये
₹300 फीस है जो कि आप नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। इन शॉर्ट आप ऑनलाइन आप इस फीस को जमा कराएंगे। यदि फ्रेंड्स आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसकी बाकी की डिटेल इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर हमने आपको इसकी डिटेल शॉर्ट में अवेलेबल करा दी है, आप यहाँ पर आकर इस डिटेल को चेक कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा और इसके साथ ही नोटिफिकेशन वेबसाइट सभी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगा हम इसको अपडेट यहाँ पर कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको डिटेल बताई लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।